हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं कहूँ सीसेट प्रिपरेशन तो गलत नहीं होगा। रीजन, अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। देखो क्या है, क्लास नोट्स वर्सेस यूपीएससी सीसेट 2024। यानी मैं आपको बहुत सारे तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो लेके जाऊँगा, मैं आपको कुछ मेन मेन क्वेश्चन दिखाऊंगा जो डायरेक्ट वे में पूछे गए हैं, और वो एग्जैक्टली क्लास नोट्स में, बस थोड़ी सी डाटा ऊपर नीचे। एक तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा एक डिजिट को छोड़ के, ठीक है। सो मैं अगर कहूं जो हमारा बैच 3 था वो एक वंडरफुल बैच था, जी हाँ, बिकॉज अगर मैं ऑल ओवर भी देखूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बैच में करवाए हुए कॉन्सेप्ट। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली थी जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था कि मेरे क्वेश्चन सेम आए ना आए, बट इनमें लगे हुए कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में कन्फर्म में पूछे जाएंगे, और वही चीज़ रिपीट हुई है जो मैंने बोला था कि करवाए हुए बहुत कुछ करवाए हुए काफ़ी चीज़ें पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे बहुत बार करवाया कि एक नंबर है उसको इंटरचेंज कर दिया गया, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 और 9 प्लस और माइनस करके करते हो, कितनी बार करवाया मैंने। नेक्स्ट एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया इस बार कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, मैक्सिमम नंबर 99, याद आया कुछ, कि एक नंबर है एक्स वाई, एक्स उसको उल्टा कर दिया, वाई बोल दिया एक्स प्लस वाई इज, और इसका सम जो है मैक्सिमम नंबर है 99, तो याद आया कुछ, एक्स प्लस वाई कितना है 9। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन बने थे, सिर्फ आपने वैल्यूज़ को देखना था, क्लियर है की बात। तो ये क्वेश्चन कितनी बार हमने किया था, शॉर्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो थोड़ा सा, क्लियर। तो चलिए आज देखते हैं क्लास नोट्स वर्सेस यूपीएससी सीसेट 2024 के किस तरह से हमने क्लास नोट्स में कराए थे और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्योंकि हम जल्दी ही नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह का, किस लेवल का हमने करवाया था, क्योंकि हमने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा था। क्योंकि 2023 के पेपर के बाद डर था बच्चों में कि अगर 2024 में से डिफिकल्ट पेपर है तो क्या किया जाएगा, उसका भी समाधान था। बट अगर लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आना वाजिब है, क्लियर है, आएगा ही आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जरा, देखो क्लास नोट्स में क्वेश्चन था आपके पास, अ पर्सन इज सेड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5, बाय मिस्टेक ही डिवाइड द नंबर बाय 5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द आंसर। ये क्वेश्चन था आपके पास एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आया हुआ, देखो अ नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4, सिर्फ 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक। समझ आई बात, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। अगर देखो डिटो तो क्या बोलूँ मैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बात खत्म। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन में लेके हूँ जो ज़्यादातर मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, इसको छोड़ दो जरा, देखो हाउ बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज लेस देन ए। इस ए क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्या है, बाय हाउ मच परसेंटेज ए इज मोर देन बी, नेक्स्ट क्या है, बाय हाउ मच परसेंटेज ए इज ऑफ बी, बी इज ऑफ ए। क्वेश्चन क्या था देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा, बाय हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, क्या ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? यस, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज की इसके अंदर चेंज है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो कराया, हमारी टीम ने जो करवाया, हमारी कंटेंट की टीम ने जो डेटा निकाला बिल्कुल सटीक डेटा था। एक क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो हंगामा मच जाता, हमारे नोट से एक क्वेश्चन, हमारे ये क्वेश्चन है, बट हमारे तो डिटो क्वेश्चन हैं, क्लियर है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखिए देखिए, अ नंबर 1, 2, 3, 4 100 आर मल्टीप्लाई टुगेदर द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जीरो कैसे बनता है, एक दो से, एक पाँच से, ये बनता है। मतलब नंबर ऑफ टूज पता हो, नंबर ऑफ फाइव पता हो। अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई, सिर्फ पावर्स ऐड कर दिए, दैट्स इट। समझ आ गई बात, मैंने तो फिर भी बहुत लंबा छोटा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एक से लेकर 1000 तक, तो यहाँ पर तो फिर भी 25 तक का डेटा है बस, हाँ वो पावर्स का खेल है थोड़ा सा, क्लियर। तो ये काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन नोट्स है, जब मैंने देखा ना दिल खुश हो गया, और बच्चों का जो फीडबैक था ना, सर 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 मैं क्या वो करवाए हुए क्वेश्चन आया, मैं कहा अच्छा करवाए क्वेश्चन दिखाओ, मैं कहा ये आना ही था, ये क्वेश्चन है ही ऐसे, क्योंकि पिछली बार वाला पेपर देखे बच्चे बहुत डरे हुए थे कि सर क्या करें। मैंने हमेशा एक ही बात बोली कि अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने लॉजिक्स पे काम करो, अपनी मेरिट पे जाके काम करो, इन द सेंस एक पॉजिटिव नेचर रखो कि हाँ आप कर लेंगे, बट ये भी नहीं हाँ मैं कर ही लूँगा या लूँगी, कहने का मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं आना, आपने अंदर थोड़ा सा जज्बा रखिए कि हाँ मुझे अच्छा करना है, क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव कंटेंट के साथ पढ़ा है, मैंने अभिमन्यु आईएएस सीसेट की तैयारी की है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, अब क्लास नोट्स का क्वेश्चन क्या था, ए कैन डू सम वर्क इन 20, बी 40 में, सी 80 में, ठीक है।
दे स्टार्ट वर्क इन टर्न विद स्टार्टिंग विद ए फर्स्ट डे फॉलोड बाय बी ऑन द सेकंड डे फॉलोड बाय सी ऑन द थर्ड डे. मतलब ये क्या था, ऑल्टरनेट था थ्री का, कि पहले क्या काम किया, पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं ए का टाइम चेंज कर दूँ, बी का टाइम चेंज कर दूँ, सी का टाइम चेंज कर दूँ, क्या लॉजिक चेंज होगा? डेफिनेटली लॉजिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि तीन के ऑल्टरनेट का क्वेश्चन है और तीन के ऑल्टरनेट का ही रहेगा. और देखिए यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली. हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम वर्क फॉर ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 आवर कॉन्सिक्यूटिवली. मतलब लगातार दो कोई भी नहीं कर रहा, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा. क्या ये तीन का ऑल्टरनेट का? यस, ये आपका तीन का ऑल्टरनेट का क्वेश्चन है. तो ऐसा क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ है. कितने सारे सिमिलैरिटीज अभी आपको देखने को मिली. तो मैं बोलता हूँ, जिन बच्चों ने हमारा ये बैच लिया था, जिन बच्चों ने इवन माइक्रो कोर्सेज से भी पढ़ा होगा ना, सक्सेस बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, जीएस के पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा किया होगा, बट सी सेट पे मुझे नहीं लगता जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत आई होगी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा. ठीक है, कई मैंने यूट्यूब पे भी क्वेश्चन करे थे, उनकी भी थोड़ी सी झलकी है मेरे पास. एक क्वेश्चन तो मैंने 2-3 दिन पहले ही क्लास में करवाया था, आई थिंक जो हमारा क्या था वो फाइनल बैटल सेशन 23 या 24 था शायद, या 21 ऐसा ही कुछ था, उसमें लास्ट क्वेश्चन था मेरे. अब देखेंगे सेशन तो पता चलेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्ट्रेक्ट एम्प्लॉय 15 मैन ईच वर्किंग. देखो ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा उससे ज़्यादा अपडेटेड है. 15 मैन 8 घंटे एफिशिएंसी. ठीक है, 9-19 दिन काम कर रहे हैं. आफ्टर 10 डेज ड्यू टू एक्सीडेंट स्टॉप फॉर 3 डेज. हाउ मैनी एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड. अब क्या ये सेम लेवल का क्वेश्चन है? यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ है? अ सर्टन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट ऑफ पीस ओवर. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसे अगर वो क्वेश्चन आपने किया होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा और आपका आंसर भी आएगा. वट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मैन भी इंक्रीज. मतलब आपके पास उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, कितने मैन को इंक्रीज किया जाए. इसमें भी तकरीबन लगभग यही है, बट ये आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एन जो भी मानोगे इंटू 6 के करोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा. ठीक है, कंपेयर टोटल वर्क आ गया, उसमें तो क्या है, छोड़ के चले गई होगी, उसमें बहुत कुछ है, बट ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके पास टोटल वर्क आ चुका है, M1D1H1E1 वाला. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब ये क्वेश्चन देखो, टू राइट ऑल द पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली 136 टाइम्स वन हैज बीन यूज, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक. अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने कैसे पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज इन नंबर 260 बुक. मैंने क्या बोला, मैंने एक डिजिट देके बताया, इतनी बार डिजिट है, नंबर ऑफ पेजेस बताओ. यूपीएससी ने क्या पूछा, पेजेस दे दिया, डिजिट बताओ. एक दूसरे का ऑपोजिट थोड़े से, क्योंकि जब मैंने वो क्वेश्चन कराया मैंने बताया भी था सिग्निफिकेंस की, क्यों यही क्वेश्चन आ रहा है, कि ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है. मैंने बताया था बैच में भी कि जब आप करोगे तो मे बी हो सकता है कि इसका कुछ उल्टा भी पूछ ले आपसे. समझ आ गई बात? तो दीज आर सम प्राइजलेस क्वेश्चन फ्रॉम अभिमन्यु आईएएस. और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछे हुए हैं, लगभग मिलते जुलते. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब देखिए, एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:24. मतलब आवर हैंड और आपका कौन सा हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड. यूपीएससी ने क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड. वहाँ 4:24 है या 4:25 है, आप जिसको पता 3:30 और 11/2 वो तो बिल्कुल आराम से कर लेगा. समझाई बात? तो देख लो ये कितना है, 4:24 4:25, बात खत्म. बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, देखो अब ये क्या है, अब ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब सेशन में करवाया था आपको, द राइट मोड. इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कि मैंने यूट्यूब सेशन में करवाया था, व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट. मतलब अगर मैं सारे जीरोज को हटा दूं तो पहला डिजिट उसके अलावा कौन सा आएगा, और इसमें 30 की पावर कितनी है, 3 2 7 2 0. जिसने ये कर दिया क्या उसके लिए ये क्वेश्चन करना मुश्किल था? जिसने इतनी बड़ी पावर को सॉल्व किया होगा 2720, क्या उसके लिए 30 पावर को करना मुश्किल रहा होगा? कुछ सोच के देखिए. मैं आपको डिफरेंस नहीं बता रहा, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने क्या करवाया और क्या पेपर में आया होगा. ठीक है, कि हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है कि सी सेट पे हमने क्या करवाया और क्या क्वेश्चन आया होगा. लगभग ऑलमोस्ट मुझे सेम कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तब मैंने डेटा को छाना तो मुझे लगा हाँ काफ़ी क्वेश्चन हैं जो किए हुए. अब ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, 30 की पावर 2720, और यहाँ क्या है, 30 की पावर 30. कॉन्सेप्ट इज सेम इन बोथ द क्वेश्चन, क्लियर. क्लास नोट्स में साफ साफ बताया था 11 से 1 के बीच में एक टाइम्स होगा. क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक हैंड
एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड एट क्लॉक एट 10 AM to 2 PM. अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो बिल्कुल ईजी से आंसर लगा देगा, तो रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एंगल का, एंगल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, डजेंट मैटर कहाँ क्या चल रहा है, कौन लेफ्ट गया कौन राइट गया, एंगल वाला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एंगल वाला एक क्वेश्चन आपको पेपर में भी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ डिफरेंस दिखा चुका हूँ, बहुत कुछ सिमिलैरिटी बताना चाह रहा हूँ कि वाई वी आर नंबर वन, क्यों बाकियों से अलग है। सब बोल तो रहे हैं हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन है, बट दिखाओ तो एटलीस्ट, आई एम शोइंग यू कि हमने क्या करवाया, कहाँ पे करवाया, ये सारे के सारे लिखे हुए, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सीधा डायरेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो जो मैंने क्लास में करवाई है सब मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं कि ताकि डायरेक्ट मेरे पास वैल्यूज पता हो, समझ आ गई बात। चलिए, सो प्लीज़ न्यू बैच कमिंग सून, रजिस्टर एट 9517771651, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, और ये तो चुनिंदा क्वेश्चन हैं, कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं डायरेक्ट आए हुए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की कोई लिमिट नहीं होती, कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट लॉजिक के थ्रू ही आप सॉल्व कर पाओगे, बट अगर वो कॉन्सेप्ट लॉजिक हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, कहीं से भी कर लें, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो प्लीज़ 9517771651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं जुड़ने के लिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताइए कि कितने सारे क्वेश्चन सिमिलर्स थे जो हमने बैच में किए थे और वो आई बी में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू स्टूडेंट्स।